हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे पास ये व्हील है जिसका ब्रेक है अप्लाई नहीं हो रहा था। हम इसे प्रेस करते हैं कभी भी, देखो इसे करते हैं, देखो ये आगे चल जाता है इस तरह से, देखो आगे चल जाता है इस तरह से क्या। ओके, यानी इसका जो ब्रेक है वो अप्लाई नहीं होता, ये पूरा कट चुका है यहाँ से, दिख रहे हो जो लाइनर है पूरा कट चुका है यहाँ से, इस वजह से अप्लाई नहीं होता है। देखो हम इसे प्रेस करते हैं, ये डायरेक्ट इस तरह से घूम जाता है और ये अप्लाई नहीं हो पाता। तो अभी हम लेथ मशीन पे जाएंगे और इसे जो लाइन है इसमें अंदर में एक ड्रम डलवा देंगे। देखो यहाँ से इतना कट चुका है, दिख रहे आप, इतना कट चुका है। तो इसमें हम एक लाइनर डलवाएंगे, ठीक है, इसमें उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से ये होने बनने के बाद आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आ रहा था फ्रेंड, देखो इसमें अप्लाई करने के बाद, देखो इतना कड़ा होने के बाद भी ब्रेक अप्लाई नहीं होता फ्रेंड। इस तरह से हमने इसमें लगाया था, अभी भी देखो ये आपको दिखाते हैं फिर से, देखो इसका होने के बाद भी ब्रेक इधर से ऐसे निकल जाता है अप्लाई। ओके, ब्रेक ही नहीं लग रहा था फ्रेंड, इस वजह से हमने इसको निकालना पड़ा हमें। देखो यहाँ पे टाइट हो जाता है पर ये ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा था फ्रेंड, इस वजह से इसको चेंज कर रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखो इसको मार्केट से भी लेथ मशीन से बना के लाया, देखो यहाँ पे नई वाली पाई डाली हुई है। ओके, तो इसका डिस्टेंस देखो ये इतना बढ़ चुका है। अब हम आपको लगा के दिखाएंगे उसके ब्रेक किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। जब हमें इसे लगाना पड़ता है तो नया ब्रेक शू लेना पड़ता है, हम पुराना वाला भी ब्रेक शू आपको लगा के दिखाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हम इसको इस तरह से एंटर कर रहे हैं, हम इतना सा ब्रेक भी अप्लाई करेंगे ना तो ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो देखो आगे नहीं जा रहा, देखो हम इतना सा भी ये अप्लाई नहीं हो रहा फ्रेंड, देखो। और पुराना वाला भी अभी हम इसमें लगा के दिखाएंगे। अभी ये जो ब्रेक शू है ये लगाने के लिए हमें नए ब्रेक शू लेना पड़ता है, हमने नए ब्रेक शू लिए थे, फिर पुराना वाला भी लगा के आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी इसमें अभी हमने पुराना वाला जो इसमें लगा हुआ था वही वाला ब्रेक शू इसमें हमने लगा दिए फ्रेंड। ओके ओके, तो जो कि पुराना वाला था तो उसके हम अप्लाई करते, देखो ये देखो ये देखो देखो इतना सही ट्रैवल कर रहे हैं, देखो इतना ही ट्रैवल कर रहे हैं। एक कैम की पोजीशन हम इसे एडजस्ट करने के लिए, कैम की पोजीशन हमें इसे इस तरह से इधर ले जाना पड़ा था, बट अभी इसे हम सीधा करके यहाँ पास में ला लेंगे। तो देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे, देखो इतना ही हम प्रेस करके इसे अप्लाई करके ब्रेक अप्लाई हो रहा है, हम इसे इतना ही अप्लाई कर रहे तभी तभी भी ब्रेक देखो अप्लाई हो रहा है, नहीं तो हम पूरा रोटेट भी कर देते तो ब्रेक अप्लाई नहीं होता था। तो इस तरह से अगर आपकी गाड़ी के भी ब्रेक शू बार बार ख़राब होते हैं तो ये आप कब करवा ले गाड़ी का। ओके फ्रेंड, ये 800-900 रुपए में आराम से काम हो जाता है फ्रेंड, नहीं तो हमें अलॉय व्हील पूरा नहीं लेनी पड़ती है फ्रेंड। और एक ब्रेक शू का खर्चा जो लगेगा आपको, नया ब्रेक शू लेना ही पड़ता है फ्रेंड, जब हम इसमें लगाते हैं ये तो हमें नया ब्रेक शू लेना ही पड़ता है वो चेक करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।